नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में, जिसमें हम आपको भोजपुरी के सुपरस्टारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरें बताते हैं। आज पवन सिंह के लिए स्पेशल दिन है, क्योंकि पवन सिंह की शादी को एक साल पूरा हो चुका है। जिसके सेलिब्रेशन में कल से ही पवन सिंह ले गए हैं और परिवार के साथ अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक साल पूरा होने पर ज्योति ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए कुछ प्यार भरे कैप्शंस लिखे हैं। निरहुआ ने अपनी नई हीरोइन जज सोडी का जन्मदिन फिल्म के सेट पर बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया। तो वहीं एक देशभक्ति फिल्म आ रही है पराग पाटिल और रत्नाकर कुमार की। देशभक्ति से बनी इस फिल्म को मल्टी स्टारर बताया जा रहा है। तो हो सकता है बहुत सारे सितारे हों, और हो सकता है इसी फिल्म में इंडस्ट्री के तीनों सितारे भी आपको दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल रत्नाकर कुमार और पराग पाटिल की एक फिल्म अरब की शूटिंग भी होने वाली है शुरू जल्द। अरब में निरहुआ आम्रपाली के साथ नजर आएंगे, और इससे पहले संघर्ष फिल्म पराग पाटिल ने बनाई थी और ये तीसरी फिल्म का ऐलान उन्होंने कर दिया है। फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। फिलहाल जितनी खबरें हमने आपको बताई हैं उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नज़र। लगातार फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त होने के चलते पवन सिंह सोशल मीडिया पर काफ़ी कम एक्टिव रहते हैं, लेकिन ज्योति सिंह को पवन सिंह से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा जाता है। वो ना सिर्फ पवन सिंह के गानों का प्रमोशन करती हैं, बल्कि हमेशा पवन सिंह के साथ अपनी नई नई लेटेस्ट तस्वीर शेयर कर अपने प्रेम का इजहार भी करती हैं, क्योंकि अक्सर शूटिंग और काम के कारण दोनों को कई बार होना पड़ता है अलग। आप लोग जानते होंगे कि आज दोनों की शादी को एक साल पूरा बीत चुका है, और ऐसे ज्योति सिंह ने पवन के साथ अपनी काफी सारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर एक बार फिर से किया है अलग अंदाज में प्यार का इजहार। ज्योति सिंह और पवन की शादी को एक साल पूरा हो चुका है, हर तरफ से इन दोनों को खूब सारी बधाइयां मिल रही हैं। ज्योति सिंह ने कुछ तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा है, जब जब इन आंखों को तेरा दीदार हो जाता है, दिन कोई भी हो त्योहार हो जाता है। लव माई हर्ट माई कोर्स, माई हस्बैंड इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, हिज लव्स इज़ अ गिफ्ट डेट आई ओपन एवरी डे। लेकिन पवन ने सोशल मीडिया पर अभी तक कहीं भी ज्योति को बधाई नहीं दी है, क्योंकि ज्योति के साथ ही वो मुंबई में अपने घर आज पूरा दिन बिताने वाले हैं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के बदलाव की लहर लाने में अहम भूमिका निभा रही फिल्म कंपनी और फिल्म निर्माता वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ओनर रत्नाकर कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म जय भारत जय हिंद का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। वर्ल्ड वाइड चैनल और जितेंद्र गुलाटी प्रस्तुत इस फिल्म के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं, निर्देशक पराग पाटिल हैं, लेखक राकेश त्रिपाठी हैं। बड़े सितारों से सजी इस नई फिल्म की अधिक जानकारी जल्द ही देखने को मिलेगी। फिलहाल इतनी जानकारी मिली है कि ये मल्टी स्टारर फिल्म बहुत रोमांचक और हैरत अंगेज कारनामों से भरपूर होगी। इस फिल्म में हर वर्ग के दर्शकों के मनोरंजन का ध्यान रखते हुए निर्माण किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि रत्नाकर कुमार ने जब से भोजपुरी सिने जगत में पदार्पण किया है, तब से उन्होंने भोजपुरी फिल्म निर्माताओं के हित में बहुत काम किए हैं। उन्होंने ही भोजपुरी फिल्मों के ऑडियो वीडियो सैटेलाइट का दाम काफी महंगा किया, और संघर्ष जैसी संपूर्ण पारिवारिक फिल्म बनाकर उन्होंने एक मिसाल कायम की, जिससे भोजपुरी सिनेमा में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी। इसी क्रम में पलायन की पीड़ा पर जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ स्टारर भोजपुरी फिल्म अरब का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी शूटिंग ओमान, आबूधाबी, बरका, सोहार, दुबई, मस्कट में हो रही है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। बहुत कम ऐसा हुआ है जब जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा हो, क्योंकि निरहुआ के साथ जो भी पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखता है उसके साथ हमेशा निरहुआ काम करते हैं। इसका उदाहरण अभी तक आम्रपाली दुबई ही देखी जाती थी, लेकिन निरहुआ की एक नई फिल्म आए हम बराती बारात लेके की फिल्म से एक और नई हीरोइन का पदार्पण हो रहा है, जो अभी तक पंजाबी एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती थी। साथ ही उन्होंने कई सारे सीरियल्स भी किए हैं। इनका नाम है जैज शोधी। जैज शोधी बहुत ही खूबसूरत हैं और सोशल मीडिया पर इन्हें फॉलो करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बीते दिन पहले इनका जन्मदिन था और इस मौके पर फिल्म के सेट पर ही निरहुआ ने बर्थडे सेलिब्रेशन का पूरा प्लान बनाया। सभी ने केक काटा और सबसे पहले जैज ने निरहुआ को खिलाया। उसके बाद देखा गया कि आम्रपाली एक समय के लिए भी निरहुआ को इस फिल्म के सेट पर अकेला नहीं छोड़ रही हैं। इस फिल्म में शामिल ना होते हुए भी आम्रपाली निरहुआ के साथ अक्सर इस फिल्म के सेट पर जाती हैं, और इस बर्थडे सेलिब्रेशन में भी आम्रपाली को वहीं मौजूद देखा गया। भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह वैसे तो हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को
लेकर अपनी फिल्मों और गानों के जरिए चर्चाओं में छाए रहते हैं, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है और उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह ने उनकी ज़िंदगी में कदम रखे हैं, तब से वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ज्योति सिंह के साथ आज पवन सिंह की शादी को पूरा एक साल बीत चुका है। आज ही के दिन दोनों ने पिछले साल 7 फेरे लिए थे। दोनों की ये शादी YouTube पर उस समय नंबर 1 ट्रेंडिंग में भी शामिल हुई थी और वो खबर हमारे ही चैनल द्वारा दिखाई गई थी। उस समय पवन ने ज्योति से अचानक गुपचुप शादी रचाकर सभी को हैरान कर दिया था। इससे पहले पवन की एक शादी और हो चुकी है जो सफल नहीं रह पाई, लेकिन ज्योति ने हमेशा पवन का साथ दिया है। वो पवन का बहुत ख्याल रखती हैं और यही कारण है कि पवन जब भी कहीं दूर शूटिंग के लिए जाते हैं तो ज्योति उनके साथ हो जाती हैं ताकि उनके खान पान का ध्यान अच्छे से रख सके। ज्योति सिंह का जन्मदिन भी क्रैक फाइटर की फिल्म के सेट पर ही मनाया गया था और अब जब अपनी शादी को एक साल बीता है तो दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही सुनने में आया है कि आज पवन सिंह ने अपनी शूटिंग की कोई डेट नहीं रखी है, वो आज पूरा दिन अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ बिताने वाले हैं। मुंबई के बांदा वाले घर में ही आजकल दोनों रह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह अपनी क्रैक फाइटर फिल्म की शूटिंग कर हाल ही में वापस अपने घर लौटे हैं। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी में हमेशा से केहू ना केहू के चर्चा होते रहेला, हर समय नया नया चेहरा देखे के मिलत रहेला। जी हाँ, बता दें कि भोजपुरी के खूबसूरत एक्ट्रेस कहे जाए वाली गुंजन पंत आपन आए वाला नया फिल्म के लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड बाड़ी। बता दी कि उनकर नया फिल्म कौन आ रहा बा। जी हाँ, उनकर फिल्म गुंडा आ रहा बा, जौना के लेकर के उस सोशल मीडिया पर चर्चा भी बिटोरा तारी। बता दी और एक्साइटेड भी बाड़ी अपना फिल्म के लेकर के, और यही वजह से गुंजन पंत अपना फिल्म के लेकर के काफी उम्मीद भी लगेले बाड़ी। खबर के मानी तो फिल्म के शूटिंग बनारस के खूबसूरत लोकेशन पर चल रहा बा, जहां वो फिल्म के शूटिंग में बिजी बड़ी। बता दी कि फिल्म में गुंजन पंत के साथ हैं अंजना सिंह भी नजर आए वाला बड़ी। हालांकि अंजना सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री के हॉट किंग कहल जाला। बता दी कि गुंजन पंत बतौले बाड़ी कि फिल्म के काफ़ी एक्शन पैच। बता दी कि गुंजन पंत अपना सेट से समय निकाल के बतैले बाड़ी कि फिल्म में काफ़ी एक्शन भी देखे के मिली और फिल्म के गाना भी बहुत मज़ेदार बाटे, और कहले बारी कि भोजपुरी सुनने वाला और भोजपुरी चाहे वाला लोगन खातिर ये फिल्म में भरपूर मनोरंजन के तड़का देखे के मिली। बता दें कि फिल्म गुंडा में रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर भी नजर आवतल, और फिल्म बिल्कुल अलग बाटे। यानी ये फिल्म में गुंजन पंत और अंजना सिंह के अलावा सिकंदर खान, अयाज खान, सुशील सिंह, एहसान खान आदि प्रमुख भूमिका के नजर में लौकतलो। अब देखे के बाद कि फिल्म में कब तक बॉक्स ऑफिस पर आ रहा बटे, अब तो आए वाला समय ही बताई। हालांकि फिल्म के कोरियोग्राफी रिकी गुप्ता कैले बड़न। नेक्स्ट नाइन डेस्क से भोजपुरिया की रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों से बिहार में बेशक से खेसारी लाल की आवाजाही कम हुई हो, बेशक से स्टेज शो खेसारी बिहार में कम कर रहे हो, लेकिन अलग अलग जगहों पर खेसारी के स्टेज शो और भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। खेसारी लाल के हर एक नए स्टेज शो जुड़ी सोशल मीडिया पर कोई ना कोई नई वीडियो आप लोग देखते ही रहेंगे। एक दिन पहले ही खेसारी लाल ने शिवरात्रि के मौके पर धमाकेदार स्टेज शो किया। उस स्टेज शो का वीडियो सामने आया है और उस दौरान एक बार फिर से खेसारी रोते हुए देखे गए हैं। हमेशा की तरह खेसारी जब भी स्टेज पर अपना गाना गाते हैं इमोशनल, तो वो रोने लगते हैं। क्या आप जानते हैं वो इमोशनल सॉन्ग कौन सा है? वही गाना जिससे खेसारी ने अक्षरा के अलग होने के बाद गाया था, जिसके बोल थे प्यार नइखे लिखल हाथ के लकीर में, नइखु तकदीर में जा। ये गाना जब भी खेसारी गाते हैं तो वो अक्सर इमोशनल हो जाते हैं। अंजना सिंह के साथ, काजल राघवानी के साथ भी रोता हुआ स्टेज पर खेसारी लाल को देखा गया है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। इस बार बिना हीरोइनों के खेसारी लाल इस स्टेज शो में पहुंचे और जब रोने लगे तो हीरोइन की तरह ही उन्हें डांसर का खूब प्यार मिला और डांसर ने ही खेसारी लाल को चुप भी करवाया। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के सुपरस्टार स्पेशल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और सितारों से जुड़ी कुछ स्पेशल खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।